welcome to my channel. I am Aliza. So in this video I will show you birthday look. ये मेरा birthday look है. आप इस makeup का आप क्या dress के according भी कर सकते हो. मैंने green dress पहना था इसलिए मैंने ये look create किया है. Friends, video start करने से पहले मैं आप लोगों से request करती हूँ कि please subscribe to my channel. अगर video पसंद आए तो like कीजिए और share करना ना भूलें. So चलिए guys video को start. सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे. मैं ये NYBA का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत अच्छा प्राइमर है. प्राइमर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे ओपन पोर्स बंद हो जाए और मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो जाए. पूरी तरीके से मैं फेस पे ब्लेंड कर लूँगी. अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी. इवन नेक पे भी करूँगी प्राइमर को अप्लाई. मैंने पहले ही अपना फेस क्लीन तो मॉइस्चराइज कर ली थी. उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी. ये लॉरियल का 106 है मेरा शेड. इसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी अच्छी तरीके से. और एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे. पूरे फेस पे अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद नेक्स्ट मैं पाउडर यूज करूंगी. मैं मेबलिन का फ्रेश पाउडर यूज कर रही हूँ. ब्रश की हेल्प से डैप डैप करते हुए लगाऊंगी और सर्कुलर मोशन में पूरा ब्लेंड करूंगी अच्छे से. नेक्स्ट में एसएफआर का आईब्रो पैलेट ले रही हूँ. इससे मैं अपनी आईब्रो को फिल इन करूँगी. जो शेप में है उस अच्छी तरह उसी शेप में बस फिल कर दूँगी. और उसी तरह मैं अपनी दूसरी आईब्रो को भी फिल कर दूँगी. दोनों आईब्रो फिल करने के बाद नेक्स्ट मैं एलेगल का ग्रीन काजल लूँगी जो मेरे ड्रेस के कलर का है. उसको अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूँगी अच्छी तरीके से. अपनी फुल आईलिड पे लगा लेने के बाद उसको मैं शेप दे दूँगी. शेप दे दूंगी अच्छे से. नेक्स्ट मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड आउट करूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे और मेरा जो स्मोकी लुक है वो अच्छे से दिखे. नेक्स्ट मैं ये मिशाओ का पैलेट लूंगी. इसमें से ही मोरपिच कलर पिक करूंगी और अपने काजल के ऊपर टैप टैप करते हुए लगाऊंगी ताकि मेरा काजल स्मच ना हो और सेट हो जाए. नेक्स्ट मैं ब्यूटी गैलेस्ट का ये पैलेट लूंगी, गॉर्जियस मी पैलेट. इसमें से ब्राउन शेड पिक करूंगी और अपने आउटर कॉर्नर से लेके क्रीज लाइन पे एक लगाते जाऊंगी ब्लेंड करते हुए ताकि एक स्मोकी लुक क्रिएट हो जाए. इसी तरह मैं अपनी दूसरी आईज को भी कंप्लीट कर दूंगी और ऑफ कैमरा मैं लैशेस लगा लूँगी. उसके बाद मैं वही क्रीम काजल अपनी वॉटर लाइन पे लगाऊंगी और वही मोरपिच कलर नीचे ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी ताकि मेरा काजल स्मच ना हो और सेट हो जाए. नेक्स्ट मैं टेक्निक का हाईलाइट पैलेट लूँगी और अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूँगी ताकि मेरी आईज थोड़ी ब्राइटन अप हो जाए. और अपने आईब्रो को भी डिफाइन करूँगी अच्छे से हाईलाइट करके.
इस डेजी का कॉन्टोर पैलेट लूंगी और अपने फुल फेस को कॉन्टोर करके लूंगी। अपने नोज को भी कॉन्टोर कर दूंगी मैं, नोज को शार्प दिखाने के लिए। लूंगी तो ये फेसेस का पीच ब्लश है, इसको मैं टैप टैप करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में लगाऊंगी और ब्लेंड करते जाऊंगी ताकि नेचुरल लुक दिखे, ज्यादा पिंकी पिंकी नहीं दिखे। नेक्स्ट मैं पैक का हाइलाइटर लूंगी और अपने फेस को अच्छी तरीके से हाइलाइट कर लूंगी। मैं NYBA की लिपस्टिक लूंगी और इसे अप्लाई करूंगी। गाइस ये बहुत लाइट शेड था तो मैंने इसके ऊपर PNB की डार्क लिपस्टिक अप्लाई करी। लिपस्टिक लगाने के बाद ये शेड है मेरे लिप्स पे और ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा।